नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में टाटा मोटर्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स स्टॉक और टाटा डीवीआर, इसके मर्जर का रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी पास आउट हो चुका है और हमने कहा कि 10 डीवीआर के बदले 7 आपको डीवीआर मिलेगा, टाटा मोटर्स के ये शेयर मिलेंगे। अगर 100 है तो 70 मिलेगा, अगर किसी को 105 है तो शेयर तो 70 ही मिलेगा, लेकिन ये 5 शेयर जो है इसके बदले आपके जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जिसके पास बस 5 ही डीवीआर है उसको उसका पैसा इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप कि इस मर्जर को आप इजीली समझ पा रहे हैं। इस समय एक बड़ी खबर इसके सेल्स डाटा को लेकर के है, तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि प्रीमियम टेलीग्राम तो बिल्कुल फ्री है ही, जहां से आप हमारी एक्यूरेसी को समझेंगे। जो आप स्टॉक के लिंक है वहां से अकाउंट ओपन करें। अगर आप ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, और स्टॉकेज प्रीमियम बिल्कुल फ्री है, हमारे लिंक से जाएं, एक महीने के प्रीमियम मेंबरशिप को लें और एक्सप्लोर करें कि क्या क्या सर्विस आखिर वो ऑफर कर रहे हैं। वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करें, डिलीट कर दें। नंबर और ईमेल को साथ में रजिस्टर करना जरूरी है। यहां देखेंगे ऑटो सेल्स टाटा मोटर्स का नंबर आते दिखा है। टाटा मोटर्स के सेल्स 78,010 से नंबर घट करके 71,693 यूनिट हो चुका है। टोटल कॉमर्शियल व्हीकल, ये जो सीवी है मतलब कॉमर्शियल व्हीकल, ये डाउन रहा 15%, 32,077 से घट करके 27,207 हो चुका है। और जो पैसेंजर व्हीकल रहा वो 3% डाउन है, 45,933 से घट करके 44,486 यूनिट रहा है। और ये डाउन ट्रेंड सेल्स के ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे। अब अगले 2 महीने के बाद मुझे लगता है कि फेस्टिवल सेशन है, वहां से सेल्स अगेन रिबूस्ट होते दिखेगा, तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड नंबर थे। वॉल्यूम काफी कंसोलिडेट था, रिसेंट की डिलीवरी बेटर है लेकिन ट्रेंड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अपडेट देखें तो इस समय अपडेट क्या है, टाटा मोटर्स लाइकली विल सोर्स बैटरी पैक फॉर इट्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम चाइना, ऑक्टिलियन पावर सिस्टम चाइना से बैटरी एक्सपोर्ट करेगी इसको लेकर के। और अभी जो डाटा सेल्स के आए हैं उसको लेकर के 2 बड़े अपडेट हैं। ऑटो सेक्टर देखें तो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ब्रेकआउट यहाँ पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और टाटा मोटर्स में भी देखेंगे तो हमने कंटिन्यूअस कहा ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। और अगर इसके डाउन ट्रेंड की बात की जाए या ऐसा बात की जाए कि कहां तक गिरावट होगी, तो वो गिरावट 1058 के बाद ही हम देखेंगे। जब तक 1058 नहीं तोड़े तब तक स्टॉक के वीकनेस नहीं, लॉन्ग 1200 to 1500 के लेवल को देखेंगे। चूंकि ये सेल्स का डाटा थोड़ा वीक हुआ तो हो सकता है कि एक बार इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने आए, लेकिन 1058 के ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहां से रिवर्सल के प्रोबेबिलिटी भी 70-80% होने वाला है।